लोकसभा चुनाव के चलते लागू आचार संहिता के तहत लाइसेंसी हथियार को पुलिस थाने में जमा कराए जाने का अभियान इन दिनों जारी है। पुलिस द्वारा अब तक सैकड़ों लोगों से उनके हथियार थाने में जमा कराए जा चुके हैं, वहीं आपराधिक पृष्ठभूमि वाले आरोपियों पर कार्रवाई की जा रही है। आदर्श आचार संहिता के लागू होते ही उन लोगों से हथियार जमा कराए जा रहे हैं जिन्होंने लाइसेंसी हथियार ले रखे हैं। अब तक शहर के विभिन्न थानों में करीब सैकड़ों लोगों के हथियार जमा कराए जा चुके हैं। हालांकि जिन्हें हथियार रखने की पात्रता है उन्हें बकायदा छूट दी जा रही है। इसके साथ ही अपराधों पर नियंत्रण रखने के लिए अपराधियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। गुंडों बदमाशों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की उन्हें जिला बदर किया जा रहा है और उनसे बॉन्ड ओवर भी भरवाए जा रहे हैं। SSP ने बताया कि शहर में 9,457 लाइसेंस शस्त्र है जिनमें से 3,001 शस्त्र अब तक अलग अलग थानों में जमा हो चुके हैं। आदर्श आचार संहिता में जिला दंडाधिकारी महोदय के आदेश से जितने भी शस्त्र लाइसेंस हैं उनको निलंबित किया गया है और सभी शस्त्रों को शीघ्रातिशीघ्र उनके संबंधित थाने में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर में कुल लाइसेंसी शस्त्र 9,457 ऐसे हैं जिनको जमा कराया जाना है। अब तक 3,021 शस्त्र जमा कराए जा चुके हैं और शेष की कार्रवाई निरंतर थानों से जारी है। इसके अलावा अन्य किसी ने जमा नहीं करवाया तो उनके खिलाफ शस्त्र निरस्ती की कार्रवाई की जाएगी।